नमस्कार, मैं विनय तिवारी आप सभी का बहुत स्वागत करता हूँ पर्सनालिटीज़ थ्रू वन लेंस के इस विशेष भाग परिचय में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे व्यक्तित्व की जिनका वर्णन करना किसी के लिए पूर्णतः संभव नहीं है, जिनका जीवन एक ऐसा ग्रंथ है जिसको भारतीय सांस्कृतिक यात्रा में सदैव उच्चतम सम्मान के साथ देखा जाएगा। आज जो उत्तर भारत में नृत्य जगत की समकालीन स्वरूप है उसकी परिकल्पना इनके योगदान के बिना करना संभव ही नहीं है। हम बात कर रहे हैं भारत के एक रत्न पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित पंडित बिरजू महाराज जी की। सरल स्वभाव, आँखों में चमक और चेहरे पे तेज और सबके दिल को मोह लेने वाले पंडित बिरजू महाराज जी का जन्म 4 फरवरी 1938 को लखनऊ घराने के प्रसिद्ध नर्तक श्री अच्छन महाराज जी के घर में हुआ था। भारत की इस सांस्कृतिक यात्रा में आज हम उस जगह पे बैठे हैं, उस आंगन में बैठे हैं जहाँ पे महाराज जी का बचपन बीता। आज अमीनाबाद के उसी घर में मैं मौजूद हूँ जहाँ पे पंडित बिरजू महाराज जी यानी बृजमोहन मिश्रा जी का बचपन गुजरा। ये घर जो है ये हमारे परदादा को वाजिद अली शाह के जो पिताजी थे उन्होंने दिया था इनाम में इस घर को, अशफुद्दौला ने। अच्छा, तो और इसके अलावा कुछ थोड़े से नया हिस्सा हम लोगों ने बनवाया। आज जिस जगह पे मैं बैठा हूँ ये आंगन कथक की वो पवित्र भूमि है जहाँ से लखनऊ घराने का प्रारंभ हुआ। ये वही घर है जहाँ पे पंडित बिरजू महाराज जी के नन्हे कदमों ने कथक की थाप को सीखना प्रारंभ किया। पंडित बिरजू महाराज जी का जन्म लखनऊ में हुआ और उनका बचपन भी लखनऊ की गलियों में पतंग उड़ाते, बताशे खाते और लोगों के घर घूमते और अपने अभ्यास शाला में अभ्यास करते हुए बीता। बहुत नन्ही सी उम्र से ही पंडित बिरजू महाराज जी का एक विशेष रुचि कथक नृत्य के तरफ हो गई। वो अपनी माता जी को हमेशा नन्हे अंगाभिनयों को दिखाकर बड़े नृतक बनने की कल्पना को प्रस्तुत किया करते थे और उनकी माता जी कहा करती थी, अभी तो शायद तुम नहीं कर पा रहे हो लेकिन वो समय भी आएगा जब तुम एक बहुत अच्छे कलाकार बनोगे। मैं छोटा था तो बहुत खील बताशा जेब में पड़ा और तालीम खाने में जाके बैठा हूँ, सब लोग रियाज कर रहे हैं तो मैं देख के तबले पे कभी हाथ मारूं, कभी वो हारमोनियम पकड़ूं। फिर अम्मा को आके मैं रसोई में बताऊं कि अम्मा मुझे भी आता तो उस वक्त तो ये उंगलियां भी मुझे नहीं आती थी कहाँ से ये बांध के, तो मैं गिर पड़ता था। तो अम्मा कहें अभी गिर जाते हो, तुम बड़े हो जाओ तो ठीक से नाचना। पंडित बिरजू महाराज जी के कथक नृत्य की शिक्षा उनके पिता श्री अच्छन महाराज जी के अधीन हुई। उन्होंने उन्हें गंडा बांधा और अपना गुरु माना। तो मैं 7.5 साल की उम्र में मैं उनसे गंडा बंधवाया और वो भी मैंने 500 इकट्ठा किए थे 25 रुपये 50 रुपये करके इनाम पाके। तो मैंने कहा बाबू, मैं अम्मा ने कहा भाई आज शागिर्द कर लो। अम्मा कह लगे मुझे मालूम तुम्हारा लड़का अमीर हो गया है, 501 रुपये दे दिए और एक पैसा ना मुझे दिया ना अम्मा को दिया। तो क्या करें करे, अब इसमें से नहीं दूंगा, ये मेरा नजराना है। मैं अपना भाग्यवान हूँ कि मेरे बाबू ने मुझे गंडा बांधा, उनका आशीर्वाद अभी चल रहा है और मेरे दिमाग में हरदम जैसे ही मैं खड़ा होता हूँ, मेकअप किया, कॉस्ट्यूम पहना, उस वक्त चाचा और बाबू हमारे सामने होते एकदम, और ईश्वर की कृपा होती है। मैं कहता हूँ प्रभु मैं तैयार हो गया हूँ, दुल्हन बन गया हूँ, तुम अब नाचो आके मेरे बदन में। परंतु उनके कम उम्र में ही
अर्थात जब पंडित बिरजू महाराज जी 9.5 वर्ष के उम्र के हुए, उनके पिताजी का दुखद निधन हो गया। उसके बाद उनकी शिक्षा उनके चाचाओं श्री लच्छू महाराज जी और शंभू महाराज जी के अधीन हुआ। पंडित बिरजू महाराज जी का जन्म लखनऊ में हुआ था, परंतु पंडित बिरजू महाराज जी का ताल्लुक आज के प्रयागराज और तत्कालीन इलाहाबाद के हांडिया तहसील के श्री ईश्वरी प्रसाद जी के घराने से है। पंडित बिरजू महाराज जी के घराने का लखनऊ में आके बसना भी एक बहुत ही रोचक कथा है। आइए इसके बारे में हम जानते हैं खुद पंडित बिरजू महाराज जी से। ये अंश मैंने उनके एक इंटरव्यू से लिया है ताकि आप सभी इस रोचक कथा को खुद उनके मुख से सुन सकें। लाला टिकैत राय हुआ करते थे उसी गांव में, जो मशालची बनकर गए थे बाईज अली शाह के दरबार में, वो मशाल दिखाते थे। तो एक फारसी की चिट्ठी गई दिल्ली दरबार से, कोई नहीं पढ़ पा रहा था, तो उन्होंने कहा हुजूर गुस्ताखी माफ़ हो तो मैं पढ़ के ट्राई करूँ। तो सबने कहा अरे तू क्या पढ़ेगा, तू तो मशालची है। तो उनको इतनी अच्छी फारसी पढ़ने की आदत थी कि उन्होंने पूरा पढ़ दिया। नवाब साहब इतने खुश हुए कि तुम मशालची बने हुए और तुम इतने गुणी हो, इतना पढ़े लिखो, तुमको दरबार में जगह दे देते हैं। उन्होंने चर्चा की कि हमारे गांव के लोग एक से एक कलाकार हैं, जिसमें से दुर्गा प्रसाद जी, ठाकुर प्रसाद जी वगैरह सब लोग हैं और इतना सुंदर नृत्य करते हैं, तो उनको बुलवाइए। वहाँ से 60 लोगों का कुनबा लखनऊ चला आया और उन्होंने घर भी दे दिया, नौकर चाकर दे दिए, घोड़े घोड़ी गाड़ी, हमारे यहाँ 4 तो घोड़े थे, बग्घी थी, फिटन था, यानी क्या क्या तांगा था, पता बहुत कुछ था। और भैरव जी मंदिर में सब खड़े होते थे। तो इस तरीके से लखनऊ नवाब बैज अली शाह के दरबार में हमारे बाबा राज नर्तक हो गए। और उन्होंने बल्कि जो हमारे नवाब साहब थे वो उस्ताद मानते थे, और जब भी आते थे तो पलक थोड़ी सी पलक झुका देते थे कि भाई नवाब का तो पलक झुकाना ही गुरु के प्रति उतनी अच्छी भावना थी। तो फिर लखनऊ हम लोग रह गए सारे। पंडित बिरजू महाराज जी एक पूर्ण कलाकार हैं, सिर्फ नृत्य ही नहीं, पंडित बिरजू महाराज जी गायन, वादन और चित्रकला में भी विशेष महारत हासिल रखते हैं। ठुमरी, दादरा और भजन, पंडित बिरजू महाराज जी एक उच्च श्रेणी के कवि हैं। मैं जंगल की लाकड़ी नहीं को है मोल, इसका कोई मोल नहीं है, पर अधर लपटी घन श्याम के भई बहुत अनमोल। वैसे तो पंडित बिरजू महाराज जी के घराने का ताल्लुक लखनऊ के नवाब यानी राज नर्तकों के घराने से है, परंतु समय हमेशा एक जैसा नहीं होता। एक ऐसा भी समय आया जब महाराज जी के घर में बहुत ही मुश्किल समय आ गए, और इस समय के बारे में बहुत लोग नहीं जानते हैं। यही वो घर है जहाँ पे पंडित बिरजू महाराज जी के परिवार ने एक समय में लाखों और करोड़ों की दौलत भी देखी, तो यही वो घर है जहाँ पे एक समय ऐसा भी आया जब साड़ियों को जलाकर उनकी चांदी बेची जाने लगी। आइए फिर पंडित बिरजू महाराज जी के ही एक साक्षात्कार के विशेष भाग को देखते हैं और जानते हैं कैसे रहे वो दिन जब सब कुछ इतना आसान नहीं था। अभाग्यवश हमारे पिताजी की मृत्यु जो थी, मैं 9.5 साल का था उसी वक्त उनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद परेशानियाँ शुरू हुई, हर तरह से कर्जा लेके खाना, साड़ी जला के उसका चांदी बेचना, चांदनी बेचकर राशन मंगाना, इस तरह की स्थिति आ गई। जिस घर में करोड़ों रुपए, तमाम जेवरात, लाखों रुपए के जवाहरात सब कुछ था, वही घर कर्जदार हो गया। और फिर हमने अम्मा लेकिन कहती थी बेटा तुझे तेरे पास जो भी है अपने तालीम को न भूलना और अपने रियाज को कायम रखना, भूलना नहीं, पिताजी की जो तालीम है उसको याद रखना और आगे बढ़ते जाना, लेकिन और जो मिले वो खा लेना, जो पहनने को मिल जाए पहन लेना। कठिनाइयाँ किसके जीवन में नहीं आती है, लेकिन जो उससे उभरते हैं
वही एक खरा हीरा बनते हैं। इतनी कठिनाइयों के बाद भी एक नन्हे से बालक का सीखने का कभी भी हौसला नहीं टूटा और पंडित बिरजू महाराज जी ने अभ्यास कभी नहीं छोड़ा। और वही देन है कि ना सिर्फ भारत में, पूरे विश्व में अगर कथक नृत्य को इस स्तर पर किसी ने पहचान दिलाई है, उसका मात्र एक कारण है पंडित बिरजू महाराज जी। आज पंडित बिरजू महाराज जी के प्रयासों के बिना हम कथक नृत्य के इस समकालीन स्वरूप की परिकल्पना भी नहीं कर सकते। उन्होंने भारत के छोटे से छोटे मंचों और बड़े से बड़े मंचों पर प्रस्तुति दी। उन्होंने इस नृत्य शैली को घर घर तक पहुंचाया। कपिला दीदी करके जो हमारी कपिला वासन, वो हमको लखनऊ गई, अम्मा से पूछा कि बेटा कुछ करता है, कहने लगा हाँ हाँ बेटा, जो पिताजी ने सिखाया तो थोड़ा तो याद है। तो कहने लगा अच्छा, मैं 6 महीने के लिए दिल्ली ले जाती हूँ संगीत भारती में ट्रायल बेसिस पे, अगर काम कर गए तो इनका उनकी तनख्वाह और साल बढ़ा देंगे। तो मैंने 4.5 साल काम किया क्योंकि मैंने बड़ी मेहनत की वहाँ। उसके बाद मैं भारतीय कला केंद्र में आ गया। भारतीय कला केंद्र यानी सुमित्रा चरत राम जी का, भरत राम जी के लोग का, उसमें आ गया। फिर कथक केंद्र अलग हुआ तो उसमें भावलपुर, उसमें हम लोग कथक केंद्र में आ गए। ऐसे करके जिंदगी बढ़ती गई, नई नई चीज़ें बनाता रहा। पंडित बिरजू महाराज जी के सराहनीय कार्य सिर्फ मंचों तक प्रस्तुत नहीं किए गए, उन्होंने भारतीय सिनेमा में भी अपना योगदान दिया। ऐसा नहीं था कि पैसे के लालच में उन्होंने बहुत सारा काम उठा लिया। उन्होंने काम तभी किया जब उनके बनाए शर्तों पर निर्देशकों ने काम करवाने की हामी भरी। आइए देखते हैं पंडित बिरजू महाराज जी के फिल्मी सफर के कुछ विशेष योगदान। कान्हा में तो सहरे छोड़ो खरी, कान्हा में तो सहरी छोड़ो खरी। आन मिलो सजना सजना, आन मिलो सजना सजना सजना। शाम तू पर यू ना कलाई थाम तू रंग दोला आज जब 82 वर्ष की उम्र में पंडित बिरजू महाराज जी मंच पर उतरते हैं, वही चमक, वही तेज और वही ऊर्जा, घंटों तक नाचने की काबिलियत और उनके अभिनय से हर एक दर्शक को पकड़ के रखने की काबिलियत सिर्फ महाराज जी में है। महाराज जी कहते हैं, कलाकार वो नहीं है जो शास्त्र को पूरी तरीके से बैठकर मंच पर कर दे, कलाकार वो है जो एक अनपढ़ के दिल को भी अपने शास्त्र को पहुंचा दे। ऐसे हैं पंडित बिरजू महाराज जी। परमेश्वर से उनके और लंबे आयु की प्रार्थना करते हैं। हम चाहते हैं कि पंडित बिरजू महाराज जी स्वस्थ रहें और हम सभी कला प्रेमियों को अपने कला के माध्यम से ऐसे ही भाव विभोर करते रहें।